पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कश्मीर में आपका स्वागत है, पश्मीना में आपका वेलकम। पता था कोई तुम सा होगा कहीं, दिल ये बेकाबू। उषा है हमारे गेस्ट हैं, अंदर आ जाओ, बाकी गेस्ट को भी तिलक लगाना है। रंगोली होशाय, क्या कर रही है, जल्दी अंदर आ। आफ्टर यू। भोले बाबा, मेरी पोषाय आपके नाम का तिलक एक ऐसे आदमी को लगा रही है जिसे ना भगवान का डर है ना पश्मीना जैसे पवित्र और सुंदर मन की कदर। ये आदमी आपके आशीर्वाद के लायक नहीं है। लगता है आपकी ये हाउस बोट सबसे पुरानी और खूबसूरत है। इनकी नकाशा देखकर मुझे कश्मीर की पुरानी यादें आ गईं। पश्मीना बच्चे, मुझे इस हाउस बोट का सबसे सुंदर कमरा चाहिए, दोगी ना? वो शायद वो शंभूनाथ के व्यू वाला कमरा दे देना। आइए ना अंकल, वहां से आपको सवेरे शंभू जी के दर्शन होंगे, आइए। वाह, चलिए। कैसा लगा आपको रूम? बहुत शानदार, बढ़िया। सॉरी, ये तो वही लेटर है जो होटल में कॉल साहब के लिए मैंने छोड़ा था। अतुल अंकल, आपको पानी पीते रहना है, ठीक है? भूलिएगा मत, हाइड्रेट। या, थैंक यू। हे भोले बाबा, आयशा दिल की बहुत साफ है, मैं कभी उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। कॉल साहब और मेरे बीच जो हुआ उसकी भनक भी आयशा को नहीं पढ़नी चाहिए। देख रहे हो बड़े कॉल साहब, आपकी होने वाली बहू को आपका कितना ख्याल है। और क्या, आई लव माय अतुल अंकल। यू नो व्हाट पश्मीना, मैं इतना लकी फील करती हूँ, जिस घर में मैंने बचपन बिताया है उसी घर में बहू बन के जा रही हूँ। मुझे लगता है सब कुछ सेम ही होगा, सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। बस एक राघव ही है खड़ूस, अब यू नो हिम ना? यू नो बेटा, राघव ना वो बर्फ के पहाड़ों जैसा है, जैसा ऊपर से दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा छुपा रहता है। और मैं चाहता हूं कि वो बर्फ पिघले और उसके दिल की बात हमें समझ आए। मैंने राघव का सर हमेशा नीचा ही किया है। नहीं अंकल, सच बोल लेना चाहिए, क्या है ना, कायनात को हमारी बात पहुंच जानी चाहिए। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं कभी भी राघव को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इसीलिए मैंने अपने आप को शराब से दूर कर लिया ताकि राघव को उसके दिल की सबसे बड़ी चाहत मिल सके। मैं अपने बेटे की खुशियां चाहता हूं। अगर मैं उसे यकीन दिला सकूं कि मैंने शराब छोड़ दी है तो शायद उसे समझा सकूं कि उसके दिल में कौन है। आपने मेरा खत पढ़ा है, आप जानते हैं कि मेरे दिल में कॉल साहब के लिए क्या है। नहीं अंकल, आप आयशा को सच नहीं बता सकते, मेरा दिल टूट चुका है, आप आयशा का दिल नहीं तोड़ सकते अंकल। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, जिस हिम्मत से आपने अपने आप को बदला है
राघव इज सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. और आप देखना, राघव की सबसे बड़ी चाहत पाने में आप ही उसकी हेल्प करेंगे. कॉल कुटीर? हाँ, या जल्द से जल्द पेपर साइन कर लेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है, है ना? अच्छा मैं बैग रख के आती हूँ, आपके लिए नून चाय भिजवा दूँ? हाँ, श्योर. ओके, अभी करती हूँ. चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ. हाँ. तुम्हारे दिल की बात को अधूरा छोड़ के लौट गया ना. प्यार करती हो ना उससे तुम? मेरे बेटे का दिल सचमुच बर्फ के पहाड़ जैसा है. बच्चे वो ऊपर से जैसा दिखता है ना, उसे कहीं ज्यादा छुपाता है. लेकिन मैं समझ गया, वो भी तुम्हें प्यार करता है पश्मीना. अब ये क्या अधूरी बात. उस रात को तुमने राघव को फोन मिलाया था, मुझसे झूठ बोला, मेरा दिल तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा. इन सब के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे काजू के लिए इंसाफ चाहिए, और तुम्हें देना होगा कॉल साहब. दरअसल वो फोन मैंने रिसीव किया था. मैंने तेरी पूरी बात सुनी है, मगर मैं होश में ही नहीं था. लेकिन जैसे ही मैंने तुझे देखा ना, तेरी आवाज सुनी, मुझे सच पता चल गया. और फिर मैंने तेरा वो खत पढ़ा. बड़े कॉल साहब, अब प्लीज आप उसे जला दीजिए, पर प्लीज उसे राघव को मत दिखाना. जब दिखाना नहीं था तो फिर खत लिखा क्यों बच्चे? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे. मैंने सोचा जाते जाते एक दफे अपने दिल की बात कह दूं, पर मेरी मम्मा कहती है अपने दिल के लिए किसी और का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती है. और आयशा का दिल मैं कभी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ दिल टूटने का गम कितना बुरा होता है. मगर राघव वहां ये सोच के बैठा है कि तुमने उसका दिल तोड़ा है. उसकी गलतफहमी तो दूर करो, अपना नाम तो क्लियर कर बेटा. उसके मन में जो तेरे लिए मुटाव है उसे तो हटा. कोई बात नहीं, मैं उनकी नाराजगी सहन कर लूंगी, पर अपने प्यार के लिए आयशा का दिल. तू चिंता मत कर, जैसा तू चाहेगी मैं वैसा ही करूंगा. बच्चे तू ये चाहती है मैं ये खत राघव को नहीं दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊंगा. सबके लिए गर्मा गर्म कावा. वाओ, थैंक यू स्पेशल कावा. आपके शुक्रिया. अरे कितनी अच्छी जगह है, एक फोटो तो ले लो. दादी मैं क्लिक करती हूँ. दीजिए, मैं करती हूँ. ओह थैंक यू सो मच एलिसी. प्रीति जी, आपके लिए. लीजिए लीजिए, एडवांस है, एहसान नहीं. 50% तो हम हमेशा एडवांस लेते हैं. जी जी, श्योर. वैसे हाउस बोट बहुत अच्छी है आपकी. अच्छी? बहुत अच्छी है, इट्स ब्यूटीफुल. हाँ, आप लोगों को तो अच्छी लगेगी. मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि आयशा का बहुत मन था हाउस बोट में रहने का. और तुम्हें तो पता ही है मोइना, कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ. इकलौती बच्ची है मेरी. जादू है इस जगह में, पर क्या ये जादू तुम पर चल पाएगा राघव? न जाने क्यों अपने आप को तुमसे बहुत दूर पा रही हूँ. आई लव यू सो मच राघव. मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती. काश कश्मीर की इन वादियों में जो तुम मुझसे दूर गए हो, मुझे दोबारा मिल जा.
और आयशा जो चाहती है वो उसे मिल के रहता है। सही कहा ना प्रीति जी, बेटियों के चाहत के लिए जो करे वो कम है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।